भारत के इस लोकतंत्र में आई गिरावट पर चर्चा के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद हैं न्यूज प्लेटफॉर्म डॉट इन के कार्यकारी संपादक सत्येंद्र रंजन और हमारी सहयोगी आकांक्षा ठाकुर। जी पंकज, तो ये जो इंडेक्स जारी किया गया है इसके हिसाब से लोकतंत्र सूचकांक या फिर डेमोक्रेसी इंडेक्स में 10 पायदान नीचे भारत पहुंच चुका है और 51वें स्थान पर आ गया है। यहाँ ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं जो ये है कि 13 सालों में पहली बार जो है भारत इतना नीचे जो है किसी इंडेक्स में, डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो है इंडिया इतना नीचे गया है। दूसरी बात, 165 देश कुल जो है इस इंडेक्स में शामिल किए गए थे और 51वें स्थान पर भारत यहाँ पर इस इंडेक्स में अभी है। यहाँ पे 5 कैटेगरीज के बेसिस पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसमें चुनावी प्रक्रिया, बहुलतावाद, सरकार का कामकाज, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता के आधार पर ये रेटिंग दी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे इंडेक्स की जो रिपोर्ट है इसमें इस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने को एक अनडेमोक्रेटिक और एक भेदभावपूर्ण कदम सरकार के द्वारा लिया गया है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इन दोनों ही कदमों से नागरिक स्वतंत्रता यानी कि सिविल लिबर्टीज और ग्लोबली भारत को एक लीस्ट डेमोक्रेटिक देश बनाने की एक छवि जो है भारत की यहाँ पर पूरे इंटरनेशनली और ग्लोबली पेश हो रही है। हमारे साथ सत्येंद्र जी हैं, जो जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट के मायने क्या हैं और कितना ज़रूरी है रिपोर्ट और इसकी जो भी फाइंडिंग्स है भारत के परिप्रेक्ष्य में होती है। सबसे पहले सत्येंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगी कि इस डेमोक्रेसी इंडेक्स का क्या महत्व क्या है भारत के लिए? देखिए आकांक्षा, ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स इकोनॉमिस्ट मैगजीन की जो शाखा है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बनाती है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन दुनिया की बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है, ये तकरीबन 125 साल से ये मैगजीन चल रही है और ये जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, जो उदार, जो लिबरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाली और लिबरल वैल्यूज को सपोर्ट करने वाली मैगजीन के रूप में इस पत्रिका की बहुत प्रतिष्ठा है दुनिया भर में। इसे बड़े ध्यान से वो लोग भी पढ़ते हैं जो इसकी नीतियों से सहमत नहीं होते हैं, और इसीलिए ये जो पत्रिका डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाती है, पिछले 13 साल से बना रही है जैसा कि आपने बताया, उस पर हर साल लोगों का ध्यान होता है कि इसमें विभिन्न देशों की स्थिति क्या आ रही है। इस साल जो भारत की स्थिति आई है, जब से ये इंडेक्स बनना शुरू हुआ है भारत इतने निचले स्थान पर कभी नहीं था। अगर इस पर गौर करें तो भारत दुनिया के टॉप 50, जो सर्वोच्च 50 देश हैं लोकतंत्र के, उसमें इकोनॉमिस्ट ने भारत को नहीं रखा है, क्योंकि भारत का नंबर 51वां हो गया है। तो ये और एक साल के भीतर 2018 से 2019 तक 10 अंकों की गिरावट, तो ये भारत की कुल लोकतंत्र को लेकर दुनिया में क्या समझ बन रही है, भारतीय लोकतंत्र को किस ढंग से देखा जा रहा है, ये इंडेक्स उस बात को जताता है। इसको दुनिया भर में लोग इस पर गौर करेंगे। जो सबसे जिस बिंदु पर भारत के अंक घटे हैं वो है सिविल लिबर्टी, जैसा कि आपने बताया, जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। और इस रिपोर्ट में जो दो खास घटनाओं का जिक्र किया गया है वो है एक धारा 370 हटाना, उसके बाद जो कश्मीर में स्थिति बनी वहाँ पर पिछले लगभग 6 महीनों से वहाँ पर लॉकडाउन है, वहाँ पर नागरिक स्वतंत्रताएँ स्थगित हैं। और फिर ये जो नागरिकता कानून बना है, नया कानून, इसके विरोध में जिस ढंग से पुलिस का व्यवहार सामने आया है, दिल्ली में देखने को मिला, जामिया मिलिया में, AMU में देखने को मिला, और उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर, और अब कर्नाटक में भी कई जगहों पर जिस ढंग से पुलिस ने एक निरंकुश व्यवहार किया, उसको देखते हुए जो भारत के अंक अगर घटे हैं तो हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब घटनाएं तो हम लोगों के आंखों के सामने हो रही हैं जहां भारत में नागरिक स्वतंत्रताएं सिकुड़ रही हैं। जी सत्येंद्र जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि डेमोक्रेसी के लिए या फिर लोकतंत्र के लिए क्या संभावनाएं भारत के लिए बचती हैं आगे, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी? देखिए, संभावनाएं तो इस देश के भीतर ही बनेंगी। अभी एक बड़ी अच्छी बात यह हुई है कि देश में एक बड़ा मूवमेंट जो नागरिक स्वतंत्रताओं की मांग करता हुआ और जो हमारी संवैधानिक मूल्य हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उसको फिर से वापस लाने के लिए, उसको रिक्लेम करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। भारत की संभावनाएं क्या बनेंगी, काफ़ी कुछ वो इस आंदोलन की सफलता पर निर्भर करता है।
क्योंकि जो आज की हमारी सरकार है ये इंडेक्स बताता है कि ये सारा दोष उसके माथे पे जाता है जो हमारा लोकतंत्र जो सिकुड़ा है या जो नागरिक आज़ादियाँ जो सिविल लिबर्टीज सिकुड़ी हैं उसका सारा दोष उसके ऊपर जाता है। और ये सरकार इसको लेकर कोई चिंतित नहीं दिखती है, वो अपनी गति से आगे बढ़ रही है। नागरिकता कानून जिसकी बड़ी आलोचना की गई है, इसमें उसके बारे में कल गृहमंत्री जी ने कहा कि सरकार एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी। तो अब वो जो इसकी संभावना बचती है वो उन्हीं लोगों से बचती है जो लोग इसके प्रोटेस्ट में आज आकर सामने आ खड़े हुए हैं, शाहीन बाग हो या शाहीन बाग जैसे जो स्थल भारत के विभिन्न शहरों में उठाए हैं, वहाँ एक लोकतंत्र का प्रयोग हो रहा है। लोग अपने लोकतांत्रिक चेतना और संवैधानिक मूल्यों से की जो चेतना उनके भीतर उतरी है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो दिन रात इतनी ठंड में महिलाएँ बच्चे और लोग उस आंदोलन में शामिल होकर हिस्सा ले रहे हैं। अब देखना है कि इस आंदोलन से ये आंदोलन कितना आगे बढ़ता है, इससे कितनी सफलताएं हासिल होती हैं। आपने जो पूछा कि भारत की क्या संभावनाएं हैं, मेरी समझ में भारत की संभावनाएं इस आंदोलन की सफलता और इसकी प्रगति से जुड़ी हुई हैं। जी, तो जो गिरावट का दौर है वो भारत के लिए लगातार जारी है, फिर वो चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो या फिर डेमोक्रेसी का इंडेक्स हो। तब आगे और कितनी गिरावट देश में देखने को मिलती है या फिर किन ऊंचाइयों पे ये वापस लौट पाता है, ये अब समय ही बताएगा। जी पंकज, बहुत शुक्रिया आकांक्षा और सत्येंद्र रंजन जी। तो भारत की जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें गिरावट, 10 अंकों की गिरावट, एक बड़ी गिरावट जिसने पूरी दुनिया को चौंकाया होगा। लेकिन हकीकत यह है कि आज से कुछ समय पहले वो 2018 की 12 जनवरी थी जब 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के आकर कहा था कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। तो अब डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन का एक तरह से सर्वे है उसमें भारत को बहुत कम अंक दिए गए हैं, यानी जिस लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है 165 देशों की सूची में उसे 51वां स्थान मिला है। और इस तरह से देखें तो भारत के ऊपर, भारत की लोकशाही पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।